आज 25 अगस्त 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 25th अगस्त 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज विशेष दिन है। ब्रह्मा कुमारी में हम सबकी प्यारी दादी प्रकाशमणि जी का पुण्य स्मृति दिवस है। दादी के बारे में जितना बताए उतना कम है। जिन्होंने भी बड़ी दादी जिनको कहते थे कुमार का दादी या प्रकाशमणि दादी, ये जो अव्यक्त नाम उनका आया था, उनकी पालना ली है, वो सब मेरी बात के साथ सहमत हो गए कि ऐसी दादी फिर होगी नहीं। दादी के ऊपर बहुत सारे प्रोग्राम इस दिन पर पूरे विश्व में किए जाते हैं। क्यों? कारण बहुत सिंपल है कि ब्रह्मा बाबा के साथ तो स्वयं शिव बाबा था, लेकिन दादी के साथ वैसे शिव बाबा नहीं था। और ब्रह्मा बाबा ने जो यज्ञ की स्थापना की, उस समय यज्ञ में जो आत्माएं आई उनकी क्वालिटी अलग थी। दादी के हाथ में यज्ञ की धुरा जिसको कहते हैं निमित्त बनी दादी। बाबा ने जाते समय दादी के हाथ में अपना हाथ दिया, लेकिन जिम्मेवारी तो दादी की थी। और ब्रह्मा बाबा अगर 33 साल तक 33 ईयर्स यज्ञ को संभाले, तो दादी ने 69 से लेकर 2007 तक, माना आप देखो 39 ईयर्स तक यज्ञ को संभाला। और केवल संभाला ही नहीं, दादी के प्रशासन के अंदर ये संस्था विश्वव्यापी बन गई। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी हम मधुबन में हैं, तो मधुबन में अनुभव सुनाया किसी ने कि दादियों को पूछा, तीन दादियां हमारी आदरणीय प्रकाशमणि दादी, दादी गुलजार और दादी जानकी, आप तीनों में बड़े कौन हैं? तो आदरणीय गुलजार दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि उम्र में दादी जानकी बड़ी है, लंबाई में मैं बड़ी हूँ, लेकिन जो पालना देने का जो संस्कार है, लीडरशिप क्वालिटी, उसमें प्रकाशमणि दादी बड़ी है। ये इन दादियों का आपस में एक दूसरे के प्रति रिगार्ड और रिस्पेक्ट था। ये दादियाँ कैसे जीना सिखाती है सभी को, कैसे एक दूसरे को सम्मान देके आगे बढ़ना है। दादियों के बहुत सारे अनुभव है। एक अनुभव बताने का दिल कर रहा है, जो बाबा ने कहा था कि अगर आप अपने को योगी समझते हो, बहुत बाबा के बच्चे योगी तो है लेकिन शक्तिशाली योगी कौन है? तो बाबा ने कहा था, अगर आप समझते हो कि आप अच्छे योगी हो, तो सामने किसी को बिठा के उसको दृष्टि देके अशरीरी कराओ, तब माने कि आप योगी हो। और दादी ने ये कराया था, इसलिए मुझे याद है। दादी ग्लोबल हॉस्पिटल में
दिवाली के वक्त आई थी। मैंने ये बात अपने किताब में भी लिखी हुई है, सभी दिव्य अनुभव। तो दादी को लिफ्ट से ऊपर जाना था, दादी लिफ्ट में घुस गई थी। दादी के साथ मोहिनी बहन मधुबन की और मुन्नी बहन, ये तीनों थी। दरवाजा बंद करने के लिए कोई नहीं था, तो मैं घुस गया। मैंने सोचा चलो दरवाजा बंद करते हैं, क्योंकि सभी आगे भागे सीट पकड़ने के लिए। तो मेरा तो ड्यूटी खत्म हुआ था, मुझे जाके रेस्ट करना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरा भाग्य झकने वाला है। जैसे ही दरवाजा बंद करके मैंने पीछे दादी की तरफ देखा, तो दादी मुस्कुरा रही थी। दादी की मुस्कुराहट भी आंखों के सामने है। दादी ने जैसे ही मुझे दृष्टि दिया, मैं शरीर से डिटैच हो गया। अशरीरी अवस्था में आनंद स्वरूप की स्टेज में मैं चला गया, और मुझे समय का भान नहीं रहा कि क्या हो रहा है, मैं सब कुछ भूल गया। और थोड़ी देर में एक जोरदार आवाज हुई कि दरवाजा खोलो। तब मैं होश में आया और तब मैंने दरवाजा खोला। तो आप सोचो दादी के अंदर कितनी पावर रही होगी। बाबा ऐसे ही दादी की महिमा नहीं करता है। तो ये दादी थी, हमको भी दादी के समान बनना है। आज पूरे दिन भर में दादी की विशेषताओं को याद करेंगे। सत्यवादी, सच्ची दिल, साहेब को राजी करने वाली, दिल तख्त नशीन बनी। बाबा ने सर्टिफिकेट दिया। दादी के जाने के बाद जो मैसेज आया, तो बाबा ने कहा प्रकृति के पांच तत्व और माया हार लेके पहना रही है दादी को। ये प्रूफ है कि ये अष्ट रतन की आत्मा है। तो हम भाग्यवान समझते हैं, ऐसी दादी जहाँ पर भी है, हमारी दिल भरी दुआएं, शुभ भावनाएं दादी के साथ है। आज की मुरली के ऊपर आते हैं, भट्टी की मुरली है। जिसको भी लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जाना है, आज की मुरली के ऊपर बार बार पढ़ के मनन चिंतन करना चाहिए, गहराई में जाना चाहिए, इसके ऊपर वर्कशॉप लेनी चाहिए। ऐसी मुरली है। और थोड़ा मुरली का बैकग्राउंड बता दूं तो समझ में आएगा। वैसे पढ़े लिखे बाबा के बच्चे या उस समय जो थे, वो इस मुरली को फील कर सकते हैं। मुरली की रिवाइज तारीख है 4 नवंबर 2001, 4th November 2001 की मुरली है। हम सब जानते हैं 2001 में क्या हुआ था, सितंबर 11 अटैक और अफगानिस्तान वॉर। जॉर्ज बुश वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस समय माहौल बड़े डर का था। उस समय पर निकलना भी मुश्किल का, एरोप्लेन से निकलना डर लग रहा था कि कौन सा एरोप्लेन कहाँ पे स्ट्राइक कर दे, इतना फियर था, खास करके अमेरिका से आने वाले। तो इसके स्पंदन आज की मुरली में, ये अव्यक्त मुरली में आए हैं। बाबा ने उसे अनुसार मुरली चलाई है कि रहम दिल बन, बेहद की दृष्टि वृत्ति और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीपक जला, पर उसके लिए सत्यवादी बनो। पूरा फ्लो मुरली में एक से दूसरी पॉइंट निकल रही है। ये सीखना चाहिए कि कैसे बाबा आसानी से इतनी गहरी बात सुना देता है। सबसे पहले बाबा ने कहा है कि ज्यादा प्यार कौन करता है, बच्चे करते हैं या बाप करता है? तो बाबा से मिलने के लिए बच्चे दूर दूर से भाग भाग के आए हैं, लेकिन सबसे दूर से तो बाबा आया है, क्योंकि परम धाम सबसे दूर है। तो दूरदेशी बाबा डबल विदेशी और भारतवासी बच्चों को मिलने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि बच्चे कैसी भी परिस्थिति है, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, इस युक्ति के प्रमाण पहुंच जाते हैं। उस समय बहुत वातावरण में तनाव था, कभी भी कुछ हो सकता है। इस हालत में विशेष डबल फॉरेनर्स बाबा के बच्चे पहुंच गए थे। तो बाबा ने कहा बाप को नाज है डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत देखकर। देखो भगवान भी नाच कर रहा है, भगवान का सीना भी गर्व से फूल रहा है कि मेरे बच्चे हिम्मतवान हैं। ड्रामा ने खेल दिखाया, लेकिन फिर भी ड्रामा के खेल बच्चों को रोक नहीं पाए। ये बहुत बड़ी बात बाबा ने आज कही। और एक गहरी बात जो मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा है, कबीर कहता है कि आग की पुतली में एक ही रह सकता है, दूजा कहाँ समा है।
और वो आपकी पुतली को आज बाबा ने याद किया है। शास्त्रों में आपकी पुतली बहुत फेमस है, अर्जुन का भी गायन है, आपकी पुतली का केंद्र उसके ऊपर बाण मारा। बाबा ने देखो कितना सिंपल कर दिया कि स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है। डॉक्टर्स को पता है कि जिंदगी और मौत इसके साथ जुड़ी हुई है। जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो डॉक्टर्स उसकी आंखों में टॉर्च डाल के देखते हैं कि जो प्यूपिल्स हैं वो आँख की पुतली अगर छोटी बड़ी होती है तो इसका मतलब वो जिंदा है, ब्रेन को जा रहा है सर्कुलेशन। लेकिन अगर वो डायलेटेड और फिक्स है, मोटी हो गई है, हिल नहीं रही है, तो मनुष्य मृत घोषित कर दिया जाता है। तो बाबा भी उसको याद करता है। बाबा ने कहा जैसे बिंदी चमकती है ऐसे नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। बहुत सुंदर है और अव्यक्त महावाक्य, मुझे बहुत प्रेरणा देने वाले महावाक्य कि जिनकी नयनों में बाप दादा समाया हुआ रहता है वही दूसरों को नजर से निहाल कर सकते हैं। इसको लिख के लेना बड़े बोल्ड अक्षरों में। और यही दादी ने करके दिखाया। दादी का ये जो अनुभव सुनाया वो नजर से निहाल करने का अनुभव है। वैसे शास्त्रों में गायन है नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, ऐसे बाबा मुरली में सुनाते हैं। लेकिन बाबा के बच्चे जो बाप समान बने हैं जैसे हमारी बड़ी दादी, तो उनकी भी यह अवस्था थी कि नजर से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने नयनों में बाबा को समा दिया। और जो नयनों में होगा वो दिल में भी होगा, जो दिल में होगा वो नयनों में होगा। जो हनुमान का गायन था कि दिल में परमात्मा को बसा लिया, ऐसे महावीर बाबा के बच्चे हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। अभी मुझे ये बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन दिखाई दे रहा है। अभी ये नयन कौन से हैं? ये स्थूल नयनों की बात ही नहीं हो रही है। हम हर बात को स्थूल के ऊपर लेके जाते हैं लेकिन स्थूल समझाने के लिए है। ये है तीसरे नेत्र की बात। तो नयनों में समाया हुआ है माना मन और बुद्धि में, मन और बुद्धि में निरंतर बिंदी बाप समाया हुआ है। तो वो और किस भी तरफ आकर्षित नहीं होंगे, मेहनत से छूट जाएंगे। देखो कितना सरल है। और तरफ नजर जाएगी नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नयनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो। और बाबा को अगर नयनों में समाना है तो उसकी विधि बाबा ने कहा है। देखो बाबा पहला बता रहा है कि नयनों में समाया होगा तो क्या होगा, तो मेहनत से छूट जाएंगे, है ना? मेहनत से पूरी तरह से छूट जाएंगे और सदा सुरक्षित रहेंगे। ये जो शास्त्रों में गायन है कि आग में बिल्ली के बच्चे भी सुरक्षित रहे, ये उन्हीं का गायन है। तो नयनों में बाबा को समाने की विधि बाबा ने बताई है, सच्ची दिल। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं इस पॉइंट के ऊपर पिछले 3-4 दिनों से चिंतन कर रहा हूँ। सच्ची दिल साकार मुरली में भी आया था। अभी बाबा ने कहा था कि आप सब कुछ बाबा को सच सच सुना दो तो आधा माफ हो जाएगा। तो सच्ची दिल गॉड इज ट्रुथ कहते हैं। और बाबा को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि सच सच बता दो। अभी सच्ची दिल भी इतना इजी नहीं है। वैसे हमने देखा कुछ दिन पहले कि वैसे तो आप भगवान से कुछ छिपा भी नहीं सकते। ऐसे कोई स्थान नहीं है जहां पर बाबा की नजर पड़ नहीं सकती है। अभी ये सब पता होने के बाद भी बाबा कह रहा है, इसका मतलब इट्स अ थेरेपी। बाबा को पता है फिर भी बाबा बोल रहा है कि बच्चे सच्ची दिल पर साहेब राजी होता है। हर कर्म में सत्यवादी बनो। सत्यता महानता है जो सच्ची दिल वाला है। अभी उसका लक्षण भी बाबा ने बताया कि सदा, कभी कभी नहीं, सदा संकल्प में, वाणी में, कर्म में, संबंध संपर्क में राज युक्त होगा। और
अर्थात राज को समझ करने वाले चलने वाले होंगे। देखो अभी ये तीनों कनेक्शन है, नयनों में समाया है, उसके लिए विधि है सच्ची दिल। अभी सच्ची दिल वाला राजयुक्त होगा, माना राजयुक्त क्या, जिसको राजयोगी कहते हैं। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, राजयोगी माना जो कभी भी नाराज नहीं होता। या तो आप राजयोगी हो या नाराज योगी हो। नाराज किससे होते, खुद से, दूसरों से या भगवान से? तो अपनी स्थिति से भी नाराज नहीं होगा, माना दिल शिकस्त नहीं होगा, और संकल्प में भी, वृत्ति से, स्पृष्टि स्मृति से और दृष्टि से भी किसी को नाराज नहीं करेगा। अंडरलाइन करेंगे इस बात को, यही है सर्टिफिकेट। न खुद नाराज होगा, न किसी को नाराज करेगा। तो मुझे पूछते हैं, सर लेकिन कुछ लोगों को आप कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। यस आई एग्री। अगर कोई व्यक्ति अपने संस्कारों से नाराज है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बाबा ने एक मुरली में कहा, 5% हिसाब किताब होता है। माना 100 लोग हैं तो उसमें से 5% लोगों के साथ हिसाब किताब होगा, कड़ा हिसाब किताब। वो कहते हैं हिंदी में, जब आपको कोई व्यक्ति अच्छी लगती है तो आपको उसका अवगुण दिखाई नहीं देता, और जब कोई व्यक्ति आपको पसंद नहीं आता है तो उसकी कभी विशेषता दिखाई नहीं देती है। तो दैट इज अंडरस्टूड। लेकिन बाबा ये कह रहा है कि वो छोड़ दो 5%, 95% आपसे सभी संतुष्ट चाहिए। ना मेरे संकल्प में किसी के प्रति नाराजगी होनी चाहिए, मुंह टेढ़ा नहीं होना चाहिए किसी को देखकर, संकल्प में भी नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा ने कहा, जो रास को जानता है वो कभी नाराज नहीं होगा। उसको रास पता है कि इसका स्वभाव संस्कार कैसे है। तो बाप को अगर राजी करना है तो राजयुक्त चलना, और जो राजयुक्त चलते हैं ना अंदर नाराजगी रखते हैं ना औरों को नाराज करेंगे। मेरे हिसाब से ये क्रक्स ऑफ द पॉइंट है। बाबा ने जो मुरलियों में अलग अलग बताया है वो मुझे यहाँ पर याद आता है, तो मैं बता रहा हूँ। 3 सर्टिफिकेट, क्योंकि पीछे आने वाले बाबा के बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, और बहुत लोगों ने मुझे भेजा है कि उनका लक्ष्य है कि 108 की माला में आते हैं। मैं उनको मुबारक देता हूँ कि आप हिम्मत रख रहे हैं, तो हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। 3 बातें बाबा ने बताई, स्वयं से अगर संतुष्ट रहना है तो सदा सदा माना स्वप्न और संकल्प में भी श्रीमत को वायलेट नहीं करना है। हमको हर बात के लिए श्रीमत मिली हुई है। सोचना क्या है, बोलना क्या है, देखना क्या है, उठना बैठना खाना पीना हर एक के लिए श्रीमत है। तो संकल्प में भी श्रीमत को वायलेट नहीं करेंगे, वो स्वयं से संतुष्ट रहेंगे। दूसरों को राजी करना है चाहे कैसी भी आत्मा हो, सदा रिगार्ड देना है और रिगार्ड लेना है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रिगार्ड देते हैं लेकिन सामने वाला नहीं दे रहा है, उसको भी रिगार्ड के रूप में लेना है। बाबा ने एक मुरली में बहुत सुंदर बात कही थी कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, अपशब्द इस्तेमाल कर रहा है, उल्टा सुल्टा बोल रहा है, तब समझो कि वो आपको कह रहा है, देखो मैं तो परवश हूं इस समय, मैं तो इस समय परवश हो, लेकिन आप तो सहनशीलता के अवतार हो। तो वो आपको आपकी संपूर्ण अवस्था को याद दिला रहा है। तो जब ये मैंने पढ़ा तो मैंने अपना एक समान बना लिया कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति मुझे संपूर्णता तक लेके जा रही है। बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि मुझे फ्लाइंग कलर से पास होना है। तो हर व्यक्ति और हर परिस्थिति जो जीवन में आती है मुझे संपूर्णता तक लेकर जा रही है। तो इसकी गहराई में जाएंगे। और तीसरा, बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट बहुत सरल है, सच्ची दिल पर साहब राजी। तो ये तीनों सर्टिफिकेट जिसको मिलेंगे
वो विश्व महाराजन बनेगा, राजा बनेगा। तो चेक करना चाहिए क्या मुझे ये तीनों सर्टिफिकेट है। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा बच्चे, समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, शुभ भी और शुद्ध भी। बहुत लोगों फेल होने का कारण है कि समय पर बाबा की बातें याद नहीं आती है। अगर याद आती है तो वो विजय नहीं देती है। जैसे ड्रामा की पॉइंट ही ले को, इतनी शक्तिशाली है कि ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, हूबहू रिपीट होता है। ये बहुत शक्तिशाली पॉइंट है मेरे हिसाब से। लेकिन ड्रामा भी कह रहे हैं और हलचल में भी आ रहे, माने ड्रामा की पॉइंट आपको विजय नहीं दिला रही है। तो शक्ति या समय पर याद आके विजय दिलानी चाहिए। उसके लिए बाबा कह रहा है कि बाबा आपको एक्स्ट्रा मदद देते हैं, लेकिन उस मदद को कैच करने की पावर भी चाहिए। मुझे ये शब्द बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यही शब्द हम मेडिकल साइंस में इस्तेमाल करते हैं, जो बाबा ने आज मुरली में कहा हुआ है। अभी यहाँ पर बाबा के एक बहुत अच्छे बच्चे नए नए निकले हैं, 5 साल से है, लेकिन बहुत फास्ट जा रहे हैं। डॉक्टर स्वपन गुप्ता, न्यूरोलॉजिस्ट, डीएम न्यूरो है। उन्होंने कल बताया क्रिएटिव प्रोग्रामिंग ऑफ द माइंड में, कि हमारे ब्रेन के अंदर डिफॉल्ट नेटवर्क होता है। अभी ये बहुत अच्छा शब्द है और ये डॉक्टरों की भाषा है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन और स्विच ऑफ। माना ऐसे लोग हैं जिनको डिमेंशिया, भूलने की बीमारी है, जिनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है, लेकिन उन्होंने ऐसे पेंटिंग निकाले जो मास्टरपीस थे। तो हैरान हो गए साइंटिस्ट, ये कैसे किया? उनको लगा उसको आदत थी, लेकिन उसने निकाले तब पता चला कि इनके जो न्यूरॉन सो गए थे वो जागृत हो गए। अब ये मेडिकल भाषा में कहते हैं स्विच ऑन हो गया। तो ये स्विच ऑन और स्विच ऑफ, जैसे बटन ऑन ऑफ करते हैं, ऐसे हमारे अंदर सतयुग के संस्कार है, उसको ऑन करो। जितना रिवाइज करेंगे बाबा की मुरली को, उतना ये संस्कार ऑन होते जाते हैं। मन की कैचिंग पावर, जिसको हम टचिंग पावर या कैचिंग पावर रखते, उसको ऑन रखो, क्योंकि बाबा समय पर आपको टच कराएगा कि अभी ये करना है, अभी इधर जाना है, अभी ये सोचना है। तो कैचिंग पावर के ऊपर पूरा पुरुषार्थ है। योग माना क्या? योग माना कैचिंग पावर, शिव बाबा से शक्तियां और प्रेरणाओं को कैच करना। इसी के आधार पर हम नंबर लेने वाले हैं। इस साल को संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन का साल मनाया है, माना डिक्लेयर किया था। तो बाबा ने कहा था डे बाय डे समय नाजुक होता जाएगा, तो हमको कैचिंग पावर को बहुत क्लीन रखना है, अच्छा रखना है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में बताया कि किसकी कैचिंग पावर अच्छी होगी। तो बाबा ने बताया वॉइसलेस और वायरलेस। वैसे जैसे वो वायरलेस सेट होता है, आपने देखा होगा पुलिस के हाथ में वायरलेस सेट होता है, ऐसे ही यहाँ पर है वॉइसलेस। जितनी मन और बुद्धि स्वच्छ, क्लीन और क्लियर होंगी, उतनी बाबा के डायरेक्शन को कैच कर पाएंगे। ये खास डबल फॉरेनर्स को टेंशन था कि लास्ट में हम कैसे मधुबन पहुंचेंगे जब विनाश होगा। तो बाबा ने कहा आपके अंदर घंटी बजेगी, घंटी बजेगी जैसे टेलीफोन की घंटी बजती है, और आपको पता चलेगा कि ये प्लेन में बैठना या ये ट्रेन में बैठना, ये आखिरी ट्रेन और आखिरी प्लेन होगा। जिसकी लाइन क्लियर होगी वो बैठेगा और वो पहुंच जाएगा। तो कैचिंग पावर के ऊपर चिंतन करेंगे, पुरुषार्थ का आधार है कैचिंग पावर। तो बाबा ने कहा डरना नहीं है, हमने ही विश्व परिवर्तन के लिए बाबा को बुलाया। बाबा का आना माना महाकाल का आना, और हमने प्रकृति को ऑर्डर दिया है साफ करो, तो ये सब होने वाला है। तो डरना नहीं है, प्रकृति को ऑर्डर के लिए तैयार है। बाबा ने कितने मुरली में कहा, लेकिन वो कब ऑर्डर देगी? जैसे कल हमने देखा था कि जब सोल कॉन्शियस नेचुरल होगी अवस्था, तभी नेचुरल कलामिटीज होंगी।
प्रकृति तो ऑर्डर करने के लिए तैयार है, लेकिन बिंदु सेकंड में फुल स्टॉप लगना चाहिए। जब 108 आत्माएं इस क्रिटिकल स्टेज पर पहुंच जाएंगे, तब पृथ्वी हलचल का डांस करने वाली है, और अभी वो समय बहुत नजदीक है। ऐसे बहुत भाई बहनों का फीडबैक है, सच तो बाबा जानते हैं, लेकिन हमको तैयार रहना है समय के पहले, सेकेंड में फुल स्टॉप लगाने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने आज और गुह्य बात कही है, मुझे बहुत हिट हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि यही कर रहे हैं। बाबा ने कहा, क्या कहा देखो, कई लोग कहते हैं कि अभी तो मौज कर लो, जब होगा तब देखा जाएगा। कौन देखता है? अभी ये बाबा जब कह रहा है तो बाबा नहीं कह रहा है, धर्मराज। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाबा भी रहम दिल कब तक बनेगा? समय पूछ रहा है, प्रकृति पूछ रहा है, कब तक? अभी तो बाबा का पाठ चल रहा है। शब्दों को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट चतुराई और अलबेलेपन के संस्कार बाबा देख रहा है। लेकिन बाबा भी क्या करेगा? बाबा का दूसरा है धर्मराज का रूप। बाबा स्पष्ट कह रहा है, बाप है तो संभालेगा, लेकिन धर्मराज के बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी बातों में, स्वभाव संस्कारों में समय को वेस्ट नहीं करो, चलाओ नहीं, इतना तो चलता है, बिल्कुल नहीं। बाबा ने कहा, जमा होते जाता है, दुगुना तिगुना 100 गुना जमा होता है, फिर भारी हो जाएंगे और फिर पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। इसलिए बाबा कह रहा है, बेहद में रहो। क्या करना है? तो बाबा ने स्पष्ट कहा है, कुछ ना कुछ देना है। रहम दिल बन, मनसा द्वारा, शुभ भावना, श्रेष्ठ सकाश की देने की वृत्ति से दो, अपने शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी वंचित नहीं रहे, क्योंकि वो चिल्ला रहे हैं। और बाबा देगा किसे? आज बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, कोई भी कुछ देता है तो अपने राइट हैंड से देता है, तो बाबा के राइट हैंड हम बच्चे हैं, तो हमारे ऊपर बहुत जिम्मेवारी है। कुमारियों को भी कहा, घर और वर चाहिए तो कुमारिया बहुत सेवा कर सकते हैं, कुमारों को भी आज बाबा ने याद किया है। तो गवाना नहीं है, गवाने का समय गया, बिंदु लगाओ, अभी जमा करना है। सबसे बड़ा खजाना समय, श्वास, संकल्प, प्रत्यक्ष जीवन में आए, और इसी से दुनिया के दुखों को दूर करना है, जिम्मेवारी उठानी है। चाहे नए हो या पुराने हो, नए लोग मुझे कहते कि हमको पालना नहीं मिल रही है, बाबा ने स्पष्ट कहा, अभी खुद की पालना खुद करना है, किसी से अपेक्षा नहीं रखो, बाबा ने सब कुछ सुनाया हुआ है। तो नए हो या पुराने, ब्राह्मण माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी उठाना, और जो जिम्मेवार होते, जिम्मेवारी का ताज पहनते, उन्हें ही विश्व का ताज भी मिलता है। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन को समाप्त कर देती है, जिम्मेवारी उमंग उत्साह में लेकर जाती है, और उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने सारे ट्रैवल करते हो, इतने लेक्चर लेते हो, 8-8 घंटा बोलते हो, आप थकते नहीं क्या? मैं स्पष्ट अनुभव करता हूं, नंबर 1 हम नहीं कर रहे हैं, करण करावनहार बाबा है, जिम्मेवारी बाबा की है, नंबर 1। नंबर 2, जब कमाई होती है तो थकावट नहीं होती है। आज भी मुझे किसी ने पूछा, तुम ये करते हो, इधर जाते हो, उधर जाते हो, थकते नहीं हो क्या? मैंने कहा, जब कमाई नहीं होती है तब थकावट होती है, जब कमाई है तो थकावट नहीं। हमारी एक माता दिन भर घर का काम करती है, कहती जिस दिन अमृत वेला नहीं हुई मेरी एनर्जी नहीं रहती, और अमृत वेला हुआ अच्छा, तो दिन भर एनर्जेटिक रहते। इन्होंने अपनी दवाइयां बन की बीमारियों की, तो कमाई वाले थकेंगे नहीं, चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते रहते हैं। ऐसे ज्ञानी और योगी तो आत्मा समय पर बाबा की सर्व शक्तियों को यूज करते हैं। तो आज के पूरे मुरली में टेक होम है
कि एक सेकंड संकल्प भी व्यर्थ नहीं गवाना है, जमा करना है, रहम दिल बनना है, दाता बन हर एक आत्मा को, चाहे भीखे हो या प्यासी आत्मा, कुछ ना कुछ अंचली देना, ब्राह्मण बच्चों को तो सहयोग देना है, बाहर वालों को दाता बन दान देना है, सकाश देना है, नैनों में बाबा समाया हुआ हो और नैनों में होगा, दिल में होगा, उसका तरीका है बाबा को राजी करना। राजी करने के लिए सच्ची दिल रखनी है और सभी से सर्टिफिकेट लेना है संतुष्टता का। आज की पूरी मुरली में टेक होम कि समय अनुसार नाजुक समय आने वाला है तो अपने आप को तैयार करो। सदा सदा नैनों में बाप दादा समाया हुआ हो, जिनकी नज़रों में बाप दादा समाया है वही दुनिया को नज़र से निहाल कर सकते हैं। सच्ची दिल चाहे कुछ भी हो जाए, सच सच बाबा को बताना है, कुछ भी छिपाना नहीं, सदा राजी रहना है, औरों को भी राजी करना है। समय बहुत नाजुक चल रहा है, जिम्मेवारी उठाना है, भगवान के राइट हैंड बनकर लोगों को अंचली जरूर देना है, अथक उमंग उत्साह में रहना है, समय प्रमाण शक्तियों को इस्तेमाल करना है और विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति।